अब खबर रायपुर से है, जहां डीआरएम दफ्तर के पास हुए बिल्डरों ने कब्जा को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों को भनक भी नहीं लगी है। मामला WRS कॉलोनी स्थित डीआरएम कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर गोंदवारा और श्रीनगर इलाके का है। इस इलाके में लगभग 10 से 15 वर्षों से रेलवे की जमीन में कब्जा हो रहा है। वहां लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से रेलवे की जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इन लोगों पर रेलवे की जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है। उनका दावा है कि उनके पास रजिस्ट्री के पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। इस मुद्दे को लेकर रेलवे डीआरएम से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। डीआरएम कार्यालय के महज 500 मीटर पीछे गोंदवारा फाटक के पास रेलवे की जमीन को प्राइवेट बनाकर बेच दिया गया है, तो इसमें किस तरह से रेलवे कार्रवाई करेगी, इस मुद्दा पे चर्चा के लिए हमारे साथ डीआरएम कौशल किशोर जी है। आइए इनसे जानते हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो रेलवे की पटरी होती है उसके दोनों साइड रेलवे की कितनी जमीन होती है? ये जो रेलवे सेंटर लाइन से ट्रैक सेंटर लाइन से डिस्टेंस होती है, ये वेरी करती है। स्टेशन प्रीमिसेस में ज्यादा होती है, अप्रोचेज पे ज्यादा होती है, और स्टेशन के मिड में लेंथ कम होती है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अहिवारा फाटक है वहाँ पे कितना होना चाहिए जमीन? जो ये रिकॉर्ड देखकर ही प्रिसाइज बताया जा सकता है, ऐसा रेडीली मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अहम सवाल यह है कि सर, वहाँ पे शिकायत हो रही है कि कोई जो रेलवे के ही कर्मचारी हैं उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो रेलवे की जमीन को प्राइवेट बनाकर दस्तावेज उपलब्ध करा के बेच दिया है। रेलवे इस कर्मचारी इस तरह का नहीं कर सकता, और रेलवे का लैंड का यदि इस तरह का किसी ने मिसयूज किया है तो हमारे पास जो PPE एक्ट है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं, और उसको एंक्रोचमेंट मानकर उसको डिमोलिश करने के लिए और रेलवे को वापस वो लैंड लेने के लिए कार्रवाई करते हैं। जी, इस तरह का जो फर्जीवाड़े हुए हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक लोगों इन्वॉल्व है, तो क्या आप बता सकते हैं कब तक की इसमें कार्रवाई की जाएगी? ये अभी फिलहाल अभी मेरे नॉलेज में आया है, ये हो सकता है बहुत पुराना केसेस हो और अभी हमारे नोटिस में आया है, तो हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। ये थे हमारे साथ डीआरएम कौशल किशोर जी, जिनका साफ कहना है कि अगर इस तरह की फर्जीवाड़ा हुआ है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।